स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे का फंडा। अंडे का फंडा कैसे बनाएंगे उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाता हूँ। अंडे का फंडा बनाने के लिए हमने कर लिया है अंडे को बॉयल, ये मशीन हमने रख ली है। और इधर काटा है हमने दो छोटे छोटे कांदे और एक बड़ा टमाटर। और इसके साथ अभी हम मिर्ची काटेंगे, हरी मिर्ची, और उसमें थोड़ा सा एक मैगी मसाला भी डालना है। सो अंडे का फंडा बनाने के लिए क्या क्या लगेगा आपको दिखलाता हूँ। 5 मिनट से 10 मिनट का काम है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो और आप एक अद्भुत टेस्ट का आनंद ले पाओगे। दोस्तों देखिए, अभी मैंने प्याज ले लिया है, प्याज और मिर्ची, और इसके साथ थोड़ा सा जीरा भी डाला हुआ है। और यहाँ पे देखो टमाटर चॉप किया हुआ रखा है और इधर अंडे रखे हुए हैं। अंडे को बस बारीक कट कर लेंगे और इसके साथ में टमाटर जब भुज जाएगा तो डाल देंगे। तो आपको फाइनल होने के बाद मैं दिखलाता हूँ। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हो रहा है टाइम 8:00 और आप देख सकते हो अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। आज लोगों को दिखलाऊंगा थाली पीठ कैसे बनाते हैं। सो ये एक महाराष्ट्रन डिश है थाली पीठ की। इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में। और ये देखिए विमर्श भी आ चुका है। हेलो, गुड इवनिंग। सो अभी मेरे पास थोड़ा मेस हो चुका है, बट आई विल शो यू। ये देखिए थाली पीठ के लिए मैंने ये रेडी किया हुआ है, पीठ है, और इधर गैस चालू कर दिया है। ये चटनी बनाई हुई है, चटनी भी साइड रख देते हैं। चटनी के लिए भी ये देखिए थोड़ी सूखी दिख रही है आपको, बट ये खाने में बहुत टेस्टी बनी है। और ये सब्जी सुबह की थी तो इसको मैं साइड कर देता हूँ और ढक देता हूँ। सो ये कांदा और टमाटर मैं इसके साथ में यूटिलाइज़ करता हूँ, जिसको बनाने का जो तरीका है वो भी मैं दिखलाता हूँ। दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये मैंने जस्ट अभी अभी ट्राई किया है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसे 2 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पर मीडियम आंच पे पकाएंगे और इसे फिर पलट देंगे। सो पलटने के टाइम पे मैं आपको दोस्तों, अब ये मेरे ख्याल से नीचे से पक चुका है, ये थोड़ा ज़्यादा ही पक गया है, बट इसे धीरे धीरे छुड़ाएंगे, छुड़ा करके बस इसको पलट देंगे। तो सॉरी, हो गया थोड़ा नुकसान मुझसे, ये बनाने में थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन आप अगर प्रॉपरली बनाओगे तो नहीं गड़बड़ होगा। बट देखो क्या गोल्डन कलर आया है। इसे आप चटनी के साथ खाओगे तो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे इसको, और बहुत इजी है, बहुत कुछ नहीं लगता। बस एक लौकी बोलते हैं हमारे यहाँ, एक लौकी लगती है, उसे ग्राइंड किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें चावल का आटा मिलाया है और अपना नॉर्मल आटा, मल्टीग्रेन आटा मिलाया हुआ है, और उसके अलावा थोड़े मसाले और सारा कुछ इंग्रेडिएंट आपको रिटर्न इसमें दिख जाएगा। सो आज का जो डिश है थाली पीठ, इसे महाराष्ट्र में मैक्स ऑफ द केसेस खाया जाता है, जब भी कोई फंक्शन रहता है या फिर कोई पार्टी रहती है। और इधर का ब्रेकफास्ट भी थाली पीठ बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सिंपल वाली थाली पीठ बना रहा हूँ मैं, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे थाली पीठ आते हैं वेराइटीज़ में। सो जिसे आप अगर बोलोगे तो मैं 2-4 के नाम अपने वीडियो में दिखलाऊंगा आपको। सो आगे का प्रोसेस क्या है इसका, इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा।
सो वेट एंड वॉच। दोस्तों पहला वाला थाली पीठ बन गया है, अभी ये मैं सेकंड वाला बनाने जा रहा हूँ। तो सेकंड बनाने के लिए मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था पहले ही, उस ऑयल को बस हल्का सा इसमें ऐसा फैला लेंगे ताकि ये कभी चिपके ना। वैसे तो बीच में ही रहेगा हमारा छोटा सा थाली पीठ बनने वाला है। सो आई जस्ट शो यू, थोड़ा पानी लेना है हाथ पे, ये हाथ पे थोड़ा पानी लेकर के इसे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गीला है तो इसे हल्का सा पानी लेकर के बना सकते हो आप। पानी के हाथ को आप हाथ हल्के हल्के से प्रेस करो और आपको थोड़ा कांदा प्याज अगर ये लगता है थोड़ा मिला सकते हो। मैं मिला रहा हूँ ताकि इसका से टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, और ये थोड़ा बिगड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप तावे पे रख के भी प्रेस करोगे तो सीधा हो जाएगा। ये तो मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। हमने ये सेकंड वाला भी डाल दिया है, इसको और अच्छे से पकने के लिए हम इसे ढक करके भी पका सकते हैं। तो मैं इसे एक छोटे से प्लेट से ढक देता हूँ। ये रहा हल्का सा, ये बना है परफेक्ट। आई होप यू ऑल लाइक इट, आ जाओ खाने के लिए फिर। सो दोस्तों अभी हो चुका है हमारा खाना रेडी, जिसमें मैंने बनाया है थाली पीट, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आम और ये है हमारा थाली पीठ विथ प्रॉपर चटनी। सो इसे हम जा रहे हैं खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे ब्लॉग को देखिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।